सूबे दे विच गोलियां चलनियां आम जिही गल हो गई है ते हुण मामला जिहड़ा मानसा दे कोटली तो सामने आया ते इस घटना ने सारयां नूं झंझोड़ के रख दिता। दरअसल इत्थे एक 6 साल दे मासूम दी गोलियां मार के हत्या कर दिती गई है। जानकारी सामने आई कि कोटली पिंड दे जसप्रीत सिंह अपने बच्चे नूं नाल लै के घर जा रहा सी। दोवें बच्चे सन तां रस्ते दे विच मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्तियों वल्लों फायरिंग करनी शुरू कर दी जांदी है, जिसके चलते एक गोली मासूम बच्चे दे सिर ते जा वजदी है, जिसनूं तुरंत हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जाता है, जिथे डॉक्टर वालों उस मासूम नूं मृतक ऐलान कर दिता जाता है। पीड़ित परिवार का रो रो बुरा हाल है, उन्हां दा रोना वेख्या नहीं चाहता। तो दस दिए कि परिवार ने यह भी दस्या है कि उन्होंने किसी के नाल कोई रंजिश भी नहीं सी। हर रोज़ की तरह वह बच्चे घुमाने लिए जा रहे सन, तां रस्ते दे विच अणपछाते मोटरसाइकिल सवार वालों गोली चला दी जाती है, जिसके चलते हुण बच्चों के मापिया वालों इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ये मेरा पोता है जी, घर चो मेरे भतीजे का बेटा है जी, मेरे ताया जी का पोता है, दो पोता जी, तो ये मेरे घरों आ रहे थे जी, ये इन्होंने पिछों फैर मारे जी किसी ने, तो सानू वास्ते इंसाफ चाहिए जी, ये भी छोटे बच्चे का की कसूर है जी, तुम ये दसो कौन कौन आ रहे थे, किन्ने बजे का टाइम से की सी? ये 7:35 का टाइम से जी, ये मेरा भतीजा सीगा जी, वो दोने बच्चे सी, ये मेरे घरों आ रहे थे जी 35-40 के टाइम पर जी, ये मैनू मुड़ के 45 मिनट पर फोन किया मेरे भतीजे ने भी, ऐं करके तुहाडे पोते दे भी फैर वज गया, भी तुम आओ भज के। जदों असी आए जी उदों यह गड्डी च पा के मानसा ले आए, इन मुड़ के असी बाद च मानसा आएंगे जी, सानू यही इंसाफ चाहिए है जी, भी बच्चे का की कसूर है जी, भी ये दसो तुसी, भी छोटा बच्चा 6.5 साल का बच्चा जी, वह इस तो पहला कोई धमकी कुछ कोई नहीं? नहीं नहीं जी, कोई धमकी नहीं जी, कोई कुछ नहीं गा जी। थोड़ू की लगता भी कौन है ये? हुण की कह सकते हैं जी असी, कौन है? शक ते कोई नहीं, किसी ते कोई शक नहीं गा जी, ये भी कैमरे लगे हुए ने जी, असी ट्रेल निकालांगे उन्हां दी, ते प्रशासन ने भी सानू कहा भी असी पूरी थोड़े नाल सहमति है साडी जी, असी ट्रेल कढांगे जी, देखांगे फिर। पिंड कोटली कलां अज शाम तकरीबन 7:45 ते मेरा भरा जसप्रीत सिंह आपके बेटा तो बेटी साढ़े घर बनियों लैके जा रहा है अपने घर में, तकरीबन 7:45 अणपछाते मोटरसाइकिल से कोई बंदे सीगे जी, दो जने सीगे जिवें कि सानू पता लग्या, उन्होंने साडे बच्चों से फायर किया जी मेरे भतीजे से, जो कि उसे गंभीर रूप से जख्मी हो गया जी, तो हुण असीं सिविल हॉस्पिटल मतलब उसकी डैथ हो चुकी है जी। ये उस जिहड़े सीगे मोटरसाइकिल सवार सी, जिन्ना कि असीं पिछा किया गा भी वह पिंड वल नूं गए आ जी, सानू पता लग्या गा, असीं मंग करदे आ भी उन्हां दे वक्त कार्रवाई छेती तो छेती की जाए, उन्हां दी भाल की जाए, तो साडे बच्चे की तो डैथ हो चुकी है जी, देखो वह तो हुण बोल नहीं सकदा, पर सानू एडिक साडी मदद की जाए प्रशासन। इस तो पहला कोई दुश्मनी जां कोई किसी दा? कोई दुश्मनी नहीं जी, साडे पिंड च किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, बहुत साहू साहू परिवार है जी, कोई इहो जी गल ही है नहीं, ना कोई पिंड च कोई इहो जिहा माहौल है जी। ਜਿਹੜਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਛਰਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।